हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, टुडे इज हिंदी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बढ़ते कदम। ओके, पहले देखिए उसमें है हिंदी वर्णमाला, तो हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। अ आ ई ई उ उ री, ए ऐ ओ औ अं अह। फिर हम व्यंजन अक्षर पढ़ेंगे, क ख ग घ आणा, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ आण, ड ढ। देखो इसमें एक्स्ट्रा ड ढ दिए गए हैं, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स स ह छ त्र ज्ञ श्र। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमने हिंदी वर्णमाला के सारे स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं। ओके, फिर देखिए आगे अभ्यास 1। हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी अक्षर लिखिए, जैसे ज और ज। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसमें आपको लिखना है, इधर आपको ये देखो बॉक्सेस दिए गए हैं, ये अलग साइड है और ये अलग साइड है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको इसमें ऐसे लिखना है, जैसे हमको लिखना है, इसमें पहले हम लिखेंगे क, यहाँ पे गुजराती का हमको लिखना है क, और फिर यहाँ पे ख, तो यहाँ पे गुजराती का लिखना है हमको ख। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो आपको मैंने सिखाया हुआ है गुजराती क ख ग घ और हिंदी क ख ग घ। ओके, तो जो जो अक्षर अलग है उन्हीं को लिखना है। अब देखो ग और ग एक जैसा है तो हमको नहीं लिखना है, और जो कुछ कुछ अलग शब्द हैं वो हमको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो इधर हिंदी आएगा, इधर गुजराती, फिर इधर हिंदी आएगा और इधर गुजराती, फिर इधर हिंदी आएगा और इस तरफ गुजराती आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको पूरे क ख ग घ में से ढूंढकर लिखना है कि कौन सा हिंदी, कौन से जो शब्द हैं जो अलग अलग है। ओके, ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला, ये जो अभ्यास 1 है वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए सेकंड पेज में। ओके, फिर देखो अभ्यास 2, यह वह। ओके, अब हमको लिखना है यह वह। यह क्या है? यह पतंग है। देखो हम किसी चीज को दिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यह पतंग है। ओके, फिर यह क्या है? यह पुस्तक है। यह क्या है स्टूडेंट्स? यह पुस्तक है। अगर हमारे पास कोई पास में चीज है तो हम यह का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई चीज दूर है तो हम वह का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया, यह मतलब जो हमारे पास में है, यह पतंग है, यह बुक है, यह घोड़ा है, और अगर दूर है तो हम क्या कहेंगे, वह पतंग है, वह पुस्तक है और वह घोड़ा है। ओके, तो यह पतंग है, यह पुस्तक है, यह घोड़ा है, वह पतंग है, वह पुस्तक है, वह घोड़ा है। ओके, फिर देखिए आगे अभ्यास नंबर 3, यह है, ये है। ओके, अब आगे हम देखेंगे यह है और ये है, तो क्या है स्टूडेंट्स, ये यह लड़का है, यह एक है इसलिए यह लड़का है, और फिर देखिए ये दो हैं तो हम लिखेंगे ये लड़के हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक है तो हम उसके लिए यह यूज करेंगे, और अगर दो हैं या फिर एक से ज्यादा, मतलब दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, ये, तो हम कहेंगे ये लड़के हैं। फिर देखिए यह हाथी है, यह क्या है स्टूडेंट्स, यह हाथी है। फिर देखिए इधर 1 2 3, कितने हाथी हैं, 3, तो हम कहेंगे ये हाथी है, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो ये हाथी है। ओके, फिर देखिए यह, यह लड़की है, यह क्या है स्टूडेंट्स, यह लड़की है, तो यह लड़की है क्योंकि ये एक है,
अब यहाँ पर देखो कितनी लड़कियां हैं, 1, 2, 3, इधर भी 3 लड़कियां हैं, तो हम लिखेंगे ये लड़कियां है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये लड़कियां है। ओके, फिर देखिए ये क्या है, माला है। ये क्या है स्टूडेंट्स, माला, यह माला है। यह क्या है, यह माला है। और फिर ये देखो ये 1, 2, 3, 1 से ज्यादा मालाएं हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये मालाएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया आपको यह और वह में अंतर और यह और ये में अंतर, ये सब मैंने आपको बता दिया। अभ्यास 2 और अभ्यास 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नाव योर नेक्स्ट पेज। देखो इसमें यह पुस्तक है, यह एक है इसलिए यह पुस्तक है। फिर देखो ये 1, 2, 3, 1 से ज्यादा पुस्तकें हैं, तो हम लिखेंगे ये पुस्तकें हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए अभ्यास 4। अब अभ्यास 4 हम पढ़ेंगे, वह है वे हैं। ओके, वह है और वे हैं, तो लिखेंगे हम, देखो वह चूहा है, वह दूर है इसीलिए हमने इसको वह कहा है। अगर चूहा हमारे पास में होता तो हम यह कहते हैं, पर वो दूर है इसलिए हमने कहा वह चूहा है। वह एक है इसलिए वह चूहा है। और यहाँ पे देखो कितने चूहे हैं, 1, 2, 3, 4, कितने चूहे हैं, 4, तो मतलब हम कहेंगे वे चूहे हैं, वे दूर हैं इसलिए हम कहेंगे वे चूहे हैं। फिर यह कौन है, माली है, वह माली है। वह क्या है, वह माली है। फिर यहाँ पे देखो कितने माली है, 1, 2, मतलब एक से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे वे माली हैं। ओके, फिर देखिए आगे, यह तितली है, वह क्या है स्टूडेंट्स, वह तितली है, वह तितली है। ओके, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी तितलियां हैं, 1, 2, 3, मतलब एक से ज्यादा है, तो वे तितलियां हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है कुर्सी, वह क्या है, वह कुर्सी है, तो हम लिखेंगे वह कुर्सी है। फिर यहाँ पे देखो एक से ज्यादा कुर्सियां हैं, 1, 2, तो हम लिखेंगे वे कुर्सियां हैं। वे क्या है, वे कुर्सियां हैं। फिर देखो ये क्या है, बकरी, वह क्या है स्टूडेंट्स, बकरी, वह बकरी है। वह क्या है, वह बकरी है। फिर देखो बहुत सारी बकरियां हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बकरियां हैं, तो हम लिखेंगे वे बकरियां हैं। वे क्या है, वे बकरियां हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये हमने वह और वे वाला भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखिए अभ्यास 5। यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे, उन कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम फिर हम देखेंगे क्या, यह, इस, वह, उस, यह मतलब इस और वह मतलब उस, ये मतलब इन और वे मतलब उन। ओके स्टूडेंट्स, यह अरविंद है, इसके पास किताब है। ओके स्टूडेंट्स, यह कौन है, यह अरविंद है, उसके पास क्या है, उसके पास किताब है। ओके, इसलिए लिखा है यह अरविंद है, इसके पास किताब है। ओके, फिर देखिए दूसरे पेज में, ये तितलियां हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 4 तितलियां हैं। ये क्या है, तितलियां, तो हम लिखेंगे ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। ओके, देखो इनके पंख कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं। ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। ओके, फिर देखिए वह, देखो ये उससे दूर है, कौवा क्या है, इससे दूर है, इसलिए वह कह रहा है वह कौवा है, वह कौवा है। वह क्या है स्टूडेंट्स, इससे दूर है इसलिए इसने वह यूज किया है, वह कौवा है। उसका रंग काला है, उसका रंग कैसा है स्टूडेंट्स, उसका रंग काला है। फिर देखिए, फिर ये है, ये क्या है, बगुले बैठे हैं, पेड़ पर क्या बैठे हैं स्टूडेंट्स, बगुले। तो वह क्या कहता है, वे दो पेड़ हैं, वे दो क्या है, पेड़ हैं, उन पर बगुले बैठे हैं। देखो इधर दो पेड़ है और दोनों पर ही बगुले बैठे हैं, इसलिए उसने कहा है वे दो पेड़ हैं और उन पर बगुले बैठे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो आज हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया है, उसमें हमने अभ्यास 1, 2, 3, 4 और 5 में, देखो हमने इधर 5 में हमने इधर यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो आज आपको होमवर्क में पूरा पार्ट 2 का अभ्यास 5 तक आपको आपकी वर्कबुक में एंड नोटबुक्स में होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये हम अभ्यास 6 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आ गया,
कि पाठ दो का हमको अभ्यास पाँच तक हमारे वर्कबुक में यहाँ तक और नोटबुक्स में भी यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।